बहुत से लोग हमें कहते हैं जब वो गली के कुत्तों को खाना खिला रहे होते हैं तो और लोग उन्हें परेशान करते हैं, या उन्होंने अगर घर में देसी कुत्ता रखा है तो मकान वाले परेशान करते हैं, या सोसाइटी वाले उन्हें लिफ्ट नहीं यूज करने देते, पार्क में आने से मना करते हैं। तो इस बारे में क्या कर सकते हैं, आइए सुनते हैं गौरी मौलकी जी से। स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल करना और घर में अपने पेट्स को रखने पर कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि हर इंडियन सिटीजन को कंपैशनेट होना चाहिए आर्टिकल 51AG में, और वही कंपैशन की ड्यूटी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको निभाते हुए लोग सड़कों पर जानवरों को खाना खिलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं एटसेट्रा। इसके अलावा जो घर होता है, घर एक प्राइवेट प्रेमिसेस होता है, प्राइवेट प्रेमिसेस पे कोई इलीगल काम नहीं किया जा सकता अगर इट इज इफ समथिंग इज हेल्ड इलीगल बाय लॉ, बट एनीथिंग दैट इज अलाउड एंड इज नॉट प्रिवेंटेड, एक्टिवली प्रिवेंटेड बाय लॉ कैन बी डन। एंड एक्चुअली कीपिंग पेट्स इज समथिंग दैट इज वेरी नेचुरल एंड इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस, एंड नोबडी, नो लॉ प्रिवेंट्स एनीबडी from keeping pets in the private premises or in one's house. Landlord ka, padosiyon ka, RWA ka, koi bhi interference nahi ho sakta hai in somebody keeping pets in the house. Agar ye ek building hai aur wahan pe bahut sare flats hain aur flats mein kuch common areas hote hain, to jab bhi koi vyakti ek flat ki ya to lease leta hai, rent pe leta hai ya khareedta hai, to wo us common area ka usage bhi क्लेम कर सकता है अपने लिए भी और अपने पेट के लिए भी। यहाँ तक कि कोर्ट्स ने भी, ये कंज्यूमर कोर्ट ने और तमाम हाई कोर्ट्स ने भी ये कहा है कि अगर कोई पेट किसी के घर में है और उसको घुमाने के लिए नीचे लेकर जाना है लिफ्ट के यूज से या लॉबी के यूज से, तो उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति किराया दे रहा है घर का या जिसने खरीदा है घर को, उसने उस लिफ्ट और उस लॉबी का यूजेज भी एक तरह से खरीदा है, उसके भी पैसे भरे हैं, और उसका यूज वो अपने लिए करे, अपने माँ बाप के लिए करे, अपने मेहमानों के लिए करे, अपने पेट्स के लिए करे, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई पड़ोसी हरास करता है और कुछ ज्यादा परेशान करता है तो उसकी हरासमेंट के अंतर्गत कंप्लेंट दी जा सकती है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। जनरली ये बातें करके सुलझा लेनी चाहिए क्योंकि आस पड़ोस का मामला होता है, बट अगर ये क्रिमिनल मैटर की तरफ बढ़े और जहां कंट्रोल ना हो जाए सिचुएशन, तो पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना बनता है।